और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ अब राजधानी दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। बांग्लादेश में बर्बरता के खिलाफ जो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन है वो यहां पर किया जा रहा है। अत्याचार के खिलाफ लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है। नारी शक्ति मार्च जो दिल्ली में है वो निकाला जाएगा। तो कोमल हमारी सहयोगी सुमित लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। एक बार वापस उनका रुख करते हैं क्योंकि ये नारी शक्ति मार्च जो है वो निकाला जा रहा है और इसीलिए भी क्योंकि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू महिलाएं हैं उनके साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनकी अस्मत किस तरह से, उस पर किस तरह से अटैक किया जा रहा है और ये नारी शक्ति क्या मांग कर रही है, क्या इनकी मांगे हैं, ये बता रही है हमारी सहयोगी कोमल। कोमल बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में नारियों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, खास तौर पर महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये तख्तियाँ दिखाएं तो देखिए यहाँ पे ये तख्तियाँ लेकर के महिलाएं पहुँची हुई है कि आखिर उनका सवाल ये है कि हिंदुओं ने आखिर कब नरसंहार किया जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। नारी शक्ति पहुँची है यहाँ पे, मांग क्या है आप लोगों की? मांग यही है कि हिंदुओं को उनका अधिकार मिले और उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, सदियों से हो रहा है और अब आवाज़ उठनी चाहिए। हम शांतिपूर्वक तरीके अपनाते हैं और हमेशा अपनाएंगे, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम बोलेंगे कि हमें हिंदुओं का अधिकार चाहिए, उनको जीने का अधिकार है। बिल्कुल, हिंदुओं को जो है टारगेट किया जा रहा है, हिंसा काफ़ी ज़्यादा भड़क रही है वहाँ पे, लगातार हिंदुओं के घरों को जला दिया जा रहा है, मंदिरों को जला दिया जा रहा है, तोड़फोड़ हो रही है और इसी को लेकर के नारी शक्ति यहाँ पे आज विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराई। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगी कि अब वक्त आ गया है, अब सबको संगठित होकर अपनी शक्ति के लिए प्रतिकार करना होगा इनके खिलाफ। तो मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। आदमी का दर्द जब आवाज़ दे दर दर, आदमी का दर्द जब आवाज़ दे दर दर। लगातार जो महिला शक्ति है वो भी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। जैसे हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहा है, अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में हिंसा का शिकार हो रहा है। वापस कोमल आपके पास यहाँ पर लौटेंगे। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। महंत जी बहुत स्वागत है आपका, और आपसे यही समझना चाहेंगे जो हालात लगातार बने हुए हैं, किसी भी तरीके की तस्वीर बदल नहीं रही है, महिला शक्ति भी और साधु संत जो हैं वो भी अब लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पहले तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बांग्लादेश में जिस प्रकार से सेना के सहयोग से सरकार के मानसिकता के अनुरूप कट्टरपंथियों को ये मौका देना और ये पावर देना कि वो भीड़ के एक शक्ल बनाकर सिर्फ 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 टारगेट मंदिर को तोड़ना, मंदिर को जलाना, मूर्ति को तोड़ना, हिंदू माँ बहन बेटियों को उठाना, हिंदुओं को घर को लूटना, हिंदुओं को घर को जला देना, यह भयंकर स्थिति बना हुआ है। जबकि सरकार ने टोटल सोशल मीडिया को रोक दिया है, फिर भी हम लोगों को कई कैसे वीडियो उपलब्ध हो जा रहे हैं एन केन प्रकारेन, तो वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूं माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वहां के सरकार के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय संघ के ऊपर एक ठोस दबाव बनाया जाए। जिस प्रकार से वहां पर व्यक्ति को नंगे करके लिंग देखकर तब फिर मारा जाता है और जिस प्रकार से मानवता को शर्मसार करने वाले वीडियो बनाए जाते हैं, एक व्यक्ति को 1000 व्यक्ति पीटता है और वीडियो बनाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके नाते मांग है कि वहां के हिंदुओं की चिंता और चिंतन किया जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा महंत राजूदास, और साथ ही साथ आप ये देखिए कि वो जो मोहम्मद यूनुस है, जो अंतरिम सरकार के जो अभी पीएम है, कार्यवाहक पीएम है, वो जाते हैं ढाकेश्वरी मंदिर भी, दरअसल वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहिए महंत राजूदास जी हमारे साथ, स्वामी चक्रपाणी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे पहले भी उनके द्वारा ये कहा गया था कि अब तक जो सितम हो गए लेकिन अब आगे सितम नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये बर्बरता जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। स्वामी चक्रपाणी जी, आप लोगों में भी नाराजगी है, लेकिन आप किस तरह से उठाएंगे इस मुद्दे को? नहीं देखिए, हमारे देश में कई प्रदेशों में दर्जनों जो है विज्ञापन जिला अधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री तक को दिए जा रहे हैं, दिल्ली में भी दिए गए हैं, यहाँ पे गृह मंत्रालय को दिए गए, हर जगह से ये मांग उठाई जा रही है कि हमारे बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पे जो अन्याय हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, जो मंदिरों को तोड़फोड़ की जा रही है, उसको रोका जाए। यह लड़ाई आरक्षण के और सरकार के खिलाफ था आरक्षण को लेकर
सरकार तो शेख हसीना जी ने तो इस्तीफा दे दिया, यहाँ पे आ गई और हमारे हिंदू उसको भुगत रहे हैं, जबकि किसी उसमें था भी नहीं हिंदू उसमें किसी उसमें एक कारण और बेवजह उनके साथ हत्याएं, उनकी बेटी बहनों की जो है इज्जत दांव पे लगी हुई है, तो इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो उनके जो मुखिया भी बने हैं नए नवनियुक्त हुए हैं, वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं जी 19 तारीख तक सभी लोग हथियार वो करो रख लो, अरे भाई तो 19 तारीख तक आप मारने पीटने की वो कर रहे हैं, आप हिंसा के लिए सड़कों जो मंदिर पे जा रहे हो सड़क पे उतर करके उन जिहादियों को सजा दिलवाइए। और ये निश्चित रूप से जो इस तरह की भाषा है, अभी अमेरिका ने आज पेपर में दिया था उनकी भाषा, उनकी जो बयान था उस पे अमेरिका ने समर्थन दिखाया, कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय देशों में इन ये समर्थन लेने के लिए इस तरह की सिर्फ भाषा बोल रहे हैं, वो हिंदुओं की हत्या या हिंदुओं पे बर्बरता कम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुओं से इनकी बड़ी सहानुभूति है, वो सिर्फ अगर ऐसा होता तो तस्वीर में कुछ ना कुछ बदलाव आता, हालात कुछ ना कुछ यहां पर सुधरते हुए नजर आते। स्वामी चक्रपाणि महाराज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, मंत्र राजदास भी हमारे साथ यहां पर जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हालात आखिर बदलेंगे कैसे। मोहम्मद यूसुफ जो है लगातार इस बात को कहते हैं लेकिन कुछ भी स्थितियां जो बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं लेकिन लगातार अपडेट इस पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए रिपब्लिक भारत। मैम आप भी ये लेकर के आई हैं, इसमें आपने पूरा ब्यौरा दिया है कि अब 2024 में देखिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं की संख्या है वो 8% हो गई है। 1871 की बात करें तो 14% थी लेकिन घट करके 8% हो गई है। हिंदू जो अल्पमत में हुआ करता था, कई ऐसे राज्य है वहां पे अब जो बहुमत में हुआ करता था, माफ कीजिएगा, अल्पमत में आ चुका है। खाली अल्पमत में आने की बात नहीं है, जब ये अब एट्रोसिटीज़ हिंदुओं पर होनी शुरू हुई, इनमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रही हैं वो फीमेल हैं, महिलाएं हैं। पाकिस्तान में भी देखा जाए जब हिंदुओं पे अत्याचार हुए, भारत के हिंदुओं ने कोई विरोध दर्ज नहीं किया। आप इसका मतलब समझिए, जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर, हिंदू महिलाओं को लूटा गया या उन छोटी छोटी बच्चियों को इस्लाम कबूल करा के उनसे शिकायत निकाह कर दिया गया, अब हिंदू वहाँ पर ख़त्म पाकिस्तान पे, और लेस देन 1% हिंदू बचा है पाकिस्तान में। अब यहाँ पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो भी हिंदुओं के अगेंस्ट हो गया पूरा। अब यहाँ के जो ये 8% आप देख रहे हैं ना, अगर हमने हिंदुओं का साथ नहीं दिया तो विश्वास करिए 10 से 15 साल बाद ये लेस देन 1% हिंदुओं का साथ नहीं दिया तो बांग्लादेश में जो 8% है इनका कहना 1% हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अब धीरे धीरे हिंदू अल्पमत में आ रहे हैं, तो डर की भावना जो है अभी भी महिलाओं में है। और ख़ासतौर पर महिलाओं की बात करें तो वहाँ पर जो हिंसा महिलाओं पर हो रही है उसे देख करके, वो तस्वीरें देख करके बहुत डर भी लग जाता है। अभी मैं यहाँ पर मोदी जी से विशेष तौर पे एक अपील करना चाहूँगी आपके माध्यम से, चार लाइनें कहना चाहूँगी। रोता बिलखता परिवेश ना हो जाए, रोता बिलखता परिवेश ना हो जाए, रोहिंग्या का देश में प्रवेश ना हो जाए, रोहिंग्या का देश में प्रवेश ना हो जाए। भाई भाई की तो बात छोड़िए मोदी जी, भाई भाई की तो बात छोड़िए मोदी जी, मेरा भारत बांग्लादेश ना हो जाए, कृपया करके इसको बांग्लादेश बनने से बचाए, मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से। देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे लेकर के भी चिंतित है, लेकिन जो महिलाएं हैं अब उन्हें ये भी डर है कि जिस तरह से रोहिंग्या घुसपैठ हो रही है तो हिंदुस्तान भी वो दूसरा बांग्लादेश ना हो जाए, कि यहाँ पे भी देखिए हिंदुओं को कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में सामना करना पड़ रहा है, इनकी चिंता ये है कि वो सामना हिंदुस्तान में भी ना करना पड़े। साथ ही साथ एक बार फिर से आपको तस्वीरें थोड़ा आगे लिए चलते हैं, आगे की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से भीड़ जो है नारी शक्ति के जितने भी कार्यकर्ता है वो पहुँच गए हैं, हेल्प डेस्क भी यहाँ पर बाकायदा बनाया हुआ है, सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। लेकिन इस पूरे चौराहे में देखिए, इस पूरे चौराहे में अलग अलग जगहों पर जितने भी नारी शक्ति के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट कर दी गई है। हिंसा जिस तरह से बांग्लादेश में हो रही है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, खासतौर पर जो हिंदू महिलाएं हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। कुछ ऐसे भी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें जो वहाँ के जो मिलिट्री वाले हैं वो हिंदुओं पर लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में आखिर सवाल ये उठ रहा है कि वहाँ पे तख्ता पलट जब से हुआ है सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है वो हिंदुओं को किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, और लगातार ये जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। जियो तोड़ फोड़ करके साक्ष्यों को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसके ऊपर मैं यह भी कहना चाहता हूं, यही मानसिकता उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है।
अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद वही मानसिकता धमकाना, पीड़ित को धमकाकर साक्ष्यों को झुठलाने या मिटाने का प्रयास करना, वही मानसिकता कन्नौज में देखने से मिल रही। और मानसिकता का प्रमाण और देखिए कि समाजवादी पार्टी की एक महिला नेत्री ये कहती हैं, इससे ज्यादा आपत्तिजनक और दुखद बयान नहीं हो सकता कि वो कह रही 15 साल की बच्ची शाम को कौन सी नौकरी पाने के लिए वहां गई थी। जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, तो जैसा संवेदनहीन बयान और आचरण पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, वैसा ही यहां समाजवादी पार्टी। तो कन्नौज से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के प्रति घृणा विद्वेष के साथ साथ अपराधियों को संरक्षण देने की एक खतरनाक मानसिकता दिखाई पड़ रही है। चिकित्सकों के ऊपर जो कुछ हुआ है और उस कारण से चिकित्सकों के मन में जो रोष है, हम उसे भली भांति समझते हैं। आपको याद हो कोरोना काल में भी यही हुआ, स्वास्थ्य कर्मियों पर आक्रमण और कई जगहों पर प्राण घातक हमले हुए, और उस समय मोदी सरकार को स्पेशल प्रावधान करना पड़ा था उन लोगों की रक्षा के लिए। तो मैं आज यह भी पूछना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में हैं तो यहीं से प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज लड़कियों के साथ अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक जो हो रहा है उसके ऊपर आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? हम पूछना चाहते हैं सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, जो अब यूपी के दो लड़कों में बड़के वाले लड़के हो गए हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत की दुकान में ये क्या सिर्फ अपराधी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी सामान ही उपलब्ध है? हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि यदि बंगाल में आपके सबसे प्रमुख नेता, जो पिछली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और वो कहते हैं कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से तानाशाह हैं और वो अपराधियों का संरक्षण कर रही हैं, उसके बाद आप किस मुंह से उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं? ऐसा विचित्र उदाहरण आपको देखने में नहीं मिलेगा कि गठबंधन में रहते हुए दल एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की भाषा बोलते हो। तो इसलिए हम इंडी गठबंधन के समस्त रचनाकारों से यह भी पूछना चाहते हैं और हम ये कहना चाहेंगे, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां एक दौर में ये शर्मनाक बयान दिया गया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती, और जब से इन दो लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से आपराधिक तत्वों की हिम्मत और हिमाकत भी बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इस समय इन दो लड़कों से एक गलती नहीं हो रही है, ये अपराधियों को संरक्षण करने का अपराध किया जा रहा है। और इससे पूर्व भी ये पार्टियां सदैव अपराधियों को, यहां तक कि आतंकवादियों को भी प्रश्रय देती रही। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपकी पार्टी के नेता सीधे इस प्रकार के दुष्कर्म में संलिप्त हैं, तो उसके उपरांत भी आपकी तरफ से कोई प्रभावी कार्रवाई न होकर बल्कि इन अपराधियों को कवर फायर देने का प्रयास, देखिए दोनों दल एक दूसरे के अपराधियों को कवर फायर दे रहे हैं। जैसे अपराधी लोग आते ना, कहते मैं ये काम करूंगा तो तुम यहां पर अटेंशन डाइवर्ट करना और तुम ये अटेंशन डाइवर्ट करना, तो मैं अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहूंगा कि आप जो PDA का नारा देते थे, वैसे इसकी परिभाषा वो लोग अपने सुविधा अनुसार समय समय पर बदलते रहे हैं। कभी A का मतलब अल्पसंख्यक हो जाता, कभी वो कहते हैं A का मतलब आदिवासी है, और जब से पाणे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है तो A का मतलब अगड़ा भी बोलने लगते हैं। पर अब इस घटना के बाद जो उनकी मानसिकता उभर कर सामने आई है, उससे अब